वेलकम अगेन। सॉरी, एरर्स के बारे में पहले बात करेंगे। इन अवर सी प्रोग्राम वी कैन एनकाउंटर नंबर ऑफ एरर्स एंड हियर मोस्टली एरर्स आर एक्चुअली डिस्टिंग्विश्ड इन फोर कैटेगरीज। वी कैन हैव सिंटैक्स एरर्स, ओके, लाइक दिस। We can have syntax errors, or we can have called as logical errors. We can have linking error, or we can have semantic errors. So we can have different types of errors in our C program. Okay. We'll discuss some of them. How एरर्स में इनकाउंटर एंड व्हाट वी शुड डू। एक्चुअली जो एरर्स होते हैं मोस्टली दो टाइप के मेन कैटेगरी एरर्स होते हैं, दो टाइप के। एक वो टाइप एरर होता है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं करने देता, यानी हम कंपाइल और एक्सिक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। सपोज आई राइट दिस इंट ए, बिकॉज इंट इज अ कीवर्ड, ये सारा स्मॉल में है, मैंने कैप्टन में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंपाइल और रन करना चाहूँ तो ये मुझे रन ही नहीं होगा प्रोग्राम, तो ये मुझे वहीं पे एरर देगा, ठीक है। दिस टाइप इज अ सिंटैक्स एरर, एक सिंटैक्स एरर, क्योंकि सिंटैक्स मेरा था ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ये हो जाता है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो गया। तो वो कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो हमें असल में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करने देते, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर सिंटैक्स एरर्स, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर हो सकता है, हम अगर कहीं पे कुछ लिखना हो, हम कुछ गलत लिख रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड वी कैन हैव लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर क्या होता है कि हमारा जो लॉजिक है प्रोग्राम सॉल्व करने का, जो हमारे पास प्रॉब्लम एक है, जो हमें काम करना है उसको सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका है वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो सपोज आई लाइक दिस सी, so I can say C is equal to A plus B, ठीक है। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ C is equal to A plus B plus C। तो मुझे sum of three numbers करना था, तो मैंने C में पहले A plus B का sum add करा, फिर C में A plus B plus C किया, ठीक है। तो क्योंकि C खुद से A plus B है तो ये double हो गया, तो ये गलत लॉजिक है, यहाँ पे मैंने गलत लॉजिक किया सम ऑफ थ्री नंबर्स यूज करने का, तो ये भी एक एरर है। हालांकि इसमें कोई इशू नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा। सपोज आई हैव वन, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल थ्री, ओके, आई विल एग्जीक्यूट इट, आई विल गेट, ये रन होगा, ठीक है। लेकिन सी में सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एंटर पर्सन डी सी, सी का हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हालांकि मुझे आंसर आना चाहिए वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू टोटली सिक्स है, तो हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें सो आई गट सिक्स, ओके। तो ये चीजें हैं कि हमें ये भी देखना होता है कि मेरे पास दो तरफ के एरर, पहले एरर जो होता है सिंटेक्स एरर, यहाँ पे तो कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन कभी कभी हम सपोज लॉजिक में एरर, लॉजिकल एरर हमारा हो सकता है, ठीक है। तो लॉजिकल एरर्स भी हो सकते हैं हमारे पास, हम दो, तो ये पहले दो टाइप के एरर हैं। वन इज सिंटेक्स एरर, कि कहीं पे कैपिटल लिख नहीं लिखना था कैपिटल लिख दिया, या कहीं पे कोई सपोज ये एक यहाँ पे एट द एंड टर्मिनेट करना है, मैं टर्मिनेट नहीं करता हूँ, मैं कॉमा करता हूँ, ठीक है, तो कॉमा करूँगा तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्लोज भी नहीं होगा स्टेटमेंट। तो ये चीजें जो है सिंटेक्स में आती है, और सिंटेक्स के एरर्स में ये चीज है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड जो मैंने बोला लॉजिकल एरर्स होते हैं, लॉजिक में होता है, लॉजिक इज कि आप प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करते हैं, तरीका एक, ठीक है, जो आपका तरीका होगा।
तो आप लिखते तो प्रोग्राम ठीक से होंगे, लेकिन आपका जो असल में लॉजिक है, जो प्रोग्राम सॉल्व जैसे होगा, वो गलत है। ठीक है, तो वो तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा लेकिन आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आएगा। लॉजिकल एरर। देन वी कैन हैव लिंकिंग एरर्स। लिंकिंग एरर में क्या होता है, हमारे पास अभी तक हमें कोई लिंकिंग नहीं। सपोज ये stdio.h एक हेडर फाइल है, ठीक है, इसमें प्रिंट एफ इसमें फंक्शन है, ठीक है, तो हम इस प्रिंट एफ को यूज करते हैं। सपोज इसमें ये प्रिंट एफ फंक्शन है लेकिन वो डिफाइन नहीं की गई है, किसी वजह से वो डिलीट हो गई इस stdio.h फाइल से, ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है डिलीट हो गई। तो अगर ये डिलीट हो गई तो हम प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं फिलहाल, ये तो फिलहाल इसको बोल रहा है कि इसमें है, लेकिन एट द एंड इसकी डिफिनेशन ही नहीं है, यानी इसमें प्रिंट एफ कैसे काम करता है वो लिखा ही नहीं है कहीं। तो एट द लिंकिंग टाइम पे जब ये लिंक करना चाहेगा इस कोड को, इस फंक्शन को इस फाइल के साथ, तो वहां पर एरर आ जाएगा। तो दैट इज लिंकिंग एरर। एंड वी कैन हैव सिमेंटिक एरर्स एज वेल, कि हमारा जो तरीका है वो गलत हो सकता है। ठीक है, हमारा तरीका जो है वो गलत हो सकता है। तो दीज टाइप दीज आर द बेसिक टाइप्स, जो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था। वी मे एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। तो मोस्टली पहले हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है सिंटेक्स एरर्स पे, सिंटेक्स एरर्स कि सिंटेक्स एरर्स ना आए, क्योंकि अगर सिंटेक्स एरर्स पहले आ जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो उसके बाद हम जो है लॉजिकल एरर्स वगैरह पे काम करते हैं। ठीक है, पहले हमारी मेन फोकस रहता है कि हमारा जो सिंटेक्स हो प्रोग्राम का वो सही हो, प्रोग्राम जैसे हमें लिखना है वो सही हो। जैसे कि रिटर्न जीरो हम लिखते हैं, ये एंड में लिखते हैं, अगर हमने ये पहले लिखा तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये इट में ऐसे लिखते हैं, अगर हमने कुछ और चीजें लिखी तो वो गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिंटेक्स हमारा प्रोग्राम का सही है, उसके बाद लॉजिक कि हम जो काम कर रहे हैं उसका लॉजिक सही से हो। सो अबाउट द एरर्स, एरर्स में और भी चीजें हमें आएंगी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिंटेक्स और लॉजिकल एरर्स पे काम होता है।